नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों की परेशानी होती है कि उनका वजन जो है वो बढ़ता नहीं है। वजन बढ़ने के लिए कुछ मेडिसिन भी वो लेते हैं लेकिन उससे भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, एक होम्योपैथिक सिरप है जो आपका वजन बढ़ाने में आपको मदद करेगा, साथ ही में आपकी जो हेल्थ है उसको भी बनाए रखने में मदद करेगा और आपके शरीर में जो विटामिन या फिर मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो चुकी है तो उस डेफिशिएंसी को भी दूर करने के लिए जो सिरप है ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मदद देगा। तो आज के इस वीडियो में हम उस सिरप के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपने मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो आपको सबसे पहले उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप मैसेज करके हम जो कंसल्टेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो सिरप है उसका नाम है अल्फा अल्फा माल्ट। तो SBL कंपनी का ये सिरप आता है अल्फा अल्फा माल्ट। तो ये जो सिरप है ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके हेल्थ रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको अगर जनरल डेबिलिटी यानी कि बहुत ज्यादा थकान आपको महसूस होती है, इसके साथ आपकी बॉडी जो है वो पूरी इमेशिएट हो चुकी है, उसमें बिल्कुल भी उत्साह नहीं है, उसमें बिल्कुल हैप्पीनेस नहीं है, आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, नैराश्य आपके मन में रहता है, इसके साथ आपको भूख जो है वो भी अच्छी तरह से नहीं लगती है, आपका न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ज्यादा पुअर है और उसके वजह से आपकी ग्रोथ जो है वो हाइट जो बढ़नी चाहिए या फिर आपकी बॉडी जो बढ़नी चाहिए वो पूरी तरीके से बढ़ती नहीं है, आप बहुत लीन थीन दिखने लगते हैं। इसके साथ आपके मन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस, नर्वसनेस यानी कि नैराश्य बहुत ज्यादा है और उसके वजह से आपको नींद भी नहीं आती है और दिन भर आपको टायर्ड महसूस होता है, अनरिफ्रेश महसूस होता है और आपको बहुत ज्यादा वरीज और टेंशन्स आपके मन में है और ओवरवर्क करने के बाद आपको थोड़ा सा भी आप काम कर लेते हो और आपको डेबिलिटी आ जाती है, थकान महसूस होती है। तो उसको कम करने के लिए, वो सारी परेशानियों को दूर करने के लिए ये जो अल्फा अल्फा माल सिरप है SBL कंपनी का बहुत अच्छी तरीके से आपको मदद करता है। तो ये जो SBL अल्फा अल्फा माल सिरप है इसमें क्या मिला हुआ है कि आपके जो मिनरल्स है या फिर अमाइनो एसिड्स जो है, फोर्टिफाइड अमाइनो एसिड्स जो है वो इसमें मिले हुए है। तो ये जो अमाइनो एसिड्स है, मिनरल्स जो मिले हुए हैं तो आपके बॉडी को जो भी इसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए होते हैं तो वो प्रोवाइड करता है। और खासकर इसके टेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा डिलीशियस है क्योंकि इसमें चॉकलेट फ्लेवर मिला हुआ है तो आप इसे आसानी से ले सकते हैं। तो ये मेडिकेशन जो है, ये सिरप जो है, इसकी इंडिकेशंस क्या है उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो उसमें आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आती है और आपको एंजाइटी बहुत ज्यादा है, आपका एपेटाइट कम है और आप अंडर वेट है, मतलब आपके हाइट के हिसाब से, आपके एज के हिसाब से आपका जितना वेट होना चाहिए उतना नहीं रहता है तो आपको अंडर वेट कहा जाता है। तो अगर आप अंडर वेट है या फिर अंडर नरिशमेंट है तो उसमें भी ये मेडिसिन जो है, और जो पेशेंट्स है जिनमें पहली कुछ बीमारी हो चुकी है और उस बीमारी के बाद उनको बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो चुकी है, उस बीमारी के बाद उनका वेट लॉस हो चुका है, तो उन पेशेंट्स में भी ये मेडिसिन, ये सिरप अगर यूज करते हैं तो उनकी जो पहले की जो ग्रोथ है, पहले का जो वेट है वो फिर से लाने के लिए मदद करता है। इसके साथ जो लेडीज है वो प्रेग्नेंट है या फिर लैक्टेटिंग वुमन है तो उनमें भी कभी कभी वेट लॉस होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, तो उनको भी वेट गेन करने के लिए मेडिसिन ये सिरप बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल होता है। इसके साथ कुछ पेशेंट्स जो है वो एनेमिक रहते हैं यानी कि उनके शरीर में जो खून होता है तो खून में जो हीमोग्लोबिन नाम का जो प्रोटीन और जो एलिमेंट होता है वो कम हो जाता है, HB कम होता है, उसके वजह से उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो एनेमिक पेशेंट में भी ये अल्फा अल्फा माल्ट सिरप जो है ये यूज करके उनकी जो भी ग्रोथ रिटार्डेड हुई है, एपेटाइट कम हुआ है तो उसमें ये मेडिसिन, ये सिरप मदद करता है। इसके साथ जो ग्रोइंग चिल्ड्रन से यानी कि जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं तो उनमें ये सिरप अगर इस्तेमाल किया जाता है तो उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी तरीके से होती है और उनकी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए ये सिरप जो है ये मदद करता है। तो ये सिरप जो है ये एनर्जी स्टिमुलेंट करके काम करता है। ये क्या करता है कि आपकी डे टू डे जो एक्टिविटीज होती है उसके बाद आप टायर्ड फील करते हो, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये जो SBL अल्फा अल्फा माल्ट सिरप है ये बहुत अच्छी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप
आपको न्यूट्रिशन आपके बॉडी का बढ़ाना है तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने पहले भी कहा तो इसमें इसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिले हुए हैं, विटामिन्स मिले हुए हैं, मिनरल्स मिले हुए हैं। मिनरल्स कौन से कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के मिनरल्स जो होते हैं वो इसमें मिले हुए हैं। तो ये जो SBL अल्फा अल्फा माल्ट सिरप है इसका मेन काम है आपका वजन बढ़ाना। तो ये जो SBL अल्फा अल्फा माल्ट सिरप है इसमें क्या होता है कि सीरियल्स जो होती है जर्मिनेटेड सीरियल्स ग्रेन वो मिले हुए है। तो आपको ये लगभग क्या होता है कि 100 ग्राम का अगर आप अल्फा अल्फा माल्ट सिरप लेते हो तो उसमें 85% कैलोरीज आपको मिलती है और आपके शरीर की ग्रोथ होने में ये बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है। तो ये जो माल्ट सिरप है इसमें शुगर कॉन्स्टिट्यूशन मिला हुआ है तो वो भी नेचुरल शुगर मिला हुआ है और फैट कंटेंट जो है वो बहुत कम है और इसके साथ ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। तो इसके वजह से आपको बहुत ज्यादा कैलोरीज देने में ये जो अल्फा अल्फा माल्ट जो सिरप है ये मदद करता है। इसके साथ आपको रीजनरेशन आपके बॉडी में जो क्रिया होती है रीजनरेशन तो उसको भी बढ़ावा देने के लिए मदद करता है। जैसे कि अगर आपको इंजुरी हो गई है, कट हो गया है तो उस टिश्यूज को रिपेयर करने में भी ये अल्फा अल्फा माल्ट सिरप है कि मदद करता है। इसके साथ आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है यानी कि पाचन संस्था जो होती है जो आपके मेटाबॉलिज्म में मदद करती है तो उसको भी बहुत नॉर्मलाइज रखने में ही सिरप जो है ये मदद करता है। आपके जो भी मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं मतलब डाइजेशन के जो भी फंक्शंस होते हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करने में ये सिरप जो है ये मदद करता है। इसके साथ इसमें जो होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई है जिनसेंग एक होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई है तो ये एंटीऑक्सीडेंट का एक रिच सोर्स है और विटामिन ई का भी रिच सोर्स है तो आपके हेल्थ को बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है। इसके साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी इसमें मिले हुए है तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे और ये मेडिसिन आपको कैसे मदद करती है वेट गेन करने में और हेल्थ को बनाए रखने के। तो अल्फा अल्फा ये पहली मेडिसिन इसमें मिली हुई है तो ये क्या करता है कि आपके एपेटाइट को बढ़ाता है, आपके डाइजेशन को बढ़ाता है और इसके वजह से आपको जो भी स्लीपलेसनेस या फिर नर्वसनेस की जो तकलीफें है वो कम हो जाती है और आपकी जो एपेटाइट है वो बढ़ जाती है और ये खासकर जो नर्सिंग मदर्स होती है उनमें बहुत अच्छी तरीके से मदद करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो जिनसेंग जैसे हमने पहले भी बात की कि एंटीऑक्सीडेंट इसमें मिला हुआ है, विटामिन ई इसमें मिला हुआ है, इसी के साथ इसमें विटामिन डी और विटामिन B2 मिला हुआ है जैसे कि थायमिन और रिबोफ्लेविन ये जो विटामिन है ये इसमें मिले हुए हैं। तो आपके शरीर में अगर इस विटामिन की डेफिशिएंसी है तो उसको मिटाने का काम ये जो जिनसेंग मेडिसिन है ये करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है एवेना सटावा। ये जो एवेना सटावा मेडिसिन है ये एक टॉनिक की तरह काम करती है आपके वीकनेस को, डेबिलिटी को या फिर एग्जॉशन को निकालने के लिए। जो डिसीज के बाद होने वाला जो एग्जॉशन है, फटीग है तो उसको निकालने के लिए एवेना सटावा एक टॉनिक की तरह काम करती है। इसके साथ आप मेंटल ओवर स्ट्रेन ले लेते हैं मतलब कुछ मानसिक थकान आपको है तो उस थकान को निकालने के लिए और आपको सेक्सुअल डिबिलिटी यानी कि इंटरकोर्स करने के बाद आपको जो थकान महसूस होती है तो उसको दूर करने के लिए ये जो एवेना सटावा मेडिसिन है बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और इस सिरप में ये मेडिसिन मिली हुई है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है सिंकोना ऑफिशनलिस। तो आपको हेडेक और फ्लैचुलेंस की तकलीफ है यानी कि आपके पेट में बहुत ज्यादा गैसेस बन जाते हैं और उसके वजह से आपको थकान महसूस होती है या फिर आपको ऐसे लगता है कि बॉडी का जो वाइटल फ्लूइड बॉडी का जो फ्लूइड है वो कम हो चुका है और बहुत ज्यादा थकान आपको महसूस होती है तो सिंकोना ऑफिशनलिस बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है हाइड्रास्टिस कैनाडेंसिस। तो आपके शरीर में आपको कटारल सिम्टम्स महसूस होते हैं, इसके साथ आपके मसल्स यानी कि मांसपेशियों का जो पावर है वो कम लगता है, वीक आपको महसूस होता है, आपका डाइजेशन भी बहुत ज्यादा पुअर है और इसके साथ आपको कब्ज की बीमारी है और कब्ज की बीमारी के साथ साथ आपको बैकएक यानी कि लंबैक को बहुत ज्यादा होता है तो ये जो मेडिसिन है एड्रेस्टिस बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है कैल्केरिया फॉक्स। तो आपको अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम का प्रोडक्शन आपके शरीर में अच्छी तरह से नहीं होता है और आपके बोन की जो ग्रोथ है उसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी होता है बोन की ग्रोथ के लिए, आपके हड्डियों के ग्रोथ के लिए। तो आपके शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है और बोन की जो ग्रोथ है, हड्डियों की जो ग्रोथ है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाती है तो ये जो कैल्केरिया फॉक्स मेडिसिन है उस कैल्शियम को बढ़ावा देती है, उस कैल्शियम की डिफिशियंसी को मिटाती है और कैल्शियम का लेवल जो है आपके शरीर में बढ़ने में मदद करती है और आपकी ग्रोथ जो है वो बढ़ाने में मदद करती है। तो ये जो
सारी होम्योपैथिक दवाइयां मैंने अभी बताई तो इस सिरप में मिली हुई है। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो SBL का अल्फा अल्फा माल सिरप है तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स है क्या। तो इसके साइड इफेक्ट्स अभी तक भी कुछ नोटेड नहीं हुए हैं, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो आप आसानी से इसे ले सकते हैं। और इसका डोज आपको क्या लेना है तो उसके बारे में अब हम बात करेंगे, उसे ध्यान से सुनिए। तो ये जो पेशेंट्स है, कुछ पेशेंट्स है जिनमें पहले कुछ बीमारी हो चुकी है और उसके बाद उनको वीकनेस आया है, तो उनको अगर ये सिरप लेना है तो उनमें एक टेबलस्पून उनको ये जो सिरप है दिन में दो बार लेना है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, उनमें ये एक टीस्पून फुल उनको टू टाइम्स लेना है, दिन में दो बार लेना है। और जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग फीमेल्स है, तो आप बात करेंगे कि ये जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग फीमेल्स है क्या इनमें साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, तो नहीं, इनमें भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। उल्टा उनको हेल्थ सप्लीमेंट्स देने के लिए सिरप बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग जो फीमेल्स है तो उनमें भी एक टेबल स्पून दिन में तीन बार ले, सुबह दोपहर और शाम। और जो अडल्ट होते हैं उनको अगर ये एनर्जी के तौर पर लेनी है और या फिर उनकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए लेनी है तो एक टेबल स्पून उनको दिन में दो या तीन बार लेना है, सुबह दोपहर और शाम। तो ये मेडिसिन आपको लेनी है। आपको क्या ध्यान रखना है कि ये मेडिसिन आप जब लेते हो तो खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले उसके बीच में आपको 15 या 20 मिनट का गैप रखना है। जब आप ये मेडिसिन लेते हो तो उसमें क्या करना है कि जब स्पून लेते हो तो वो स्पून जो है वो गीला नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। और ये जो सिरप है ये आपको कूल प्लेस में यानी कि ठंडे जगह पर स्टोर करना है और इसके साथ उसका जो कैप है वो टाइटली क्लोज्ड होना चाहिए। तो ये जो अल्फा अल्फा माल सिरप है तो ये 250 ग्राम में या फिर 450 ग्राम में आता है, तो इसकी प्राइस कुछ 150 से लेकर 250 तक रहती है। तो ये मेडिसिन आपको किसी भी होम्योपैथिक फार्मेसी में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और ये चॉकलेट फ्लेवर का आता है तो छोटे बच्चों को भी बहुत पसंद होगा और जो अडल्ट है उनको भी बहुत ज्यादा पसंद होगा। तो ये मेडिसिन, ये सिरप आप ले सकते हैं और आपकी हेल्थ को बनाए रख सकते। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर डिटेल में कंसल्टेशन करना है तो मेरा जो WhatsApp नंबर दिया है उस पर आप मुझे WhatsApp मैसेज कर सकते हैं। और ये वीडियो जो है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और जिनको भी हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज है, डेबिलिटी है, वीकनेस है, उनके लिए वीडियो और ये सिरप जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।